हाय गाइस, तो आज मैं बताने वाला हूँ किर्लोस्कर 3 सिलेंडर का एयर कूलर इंजन है और मैं इसमें पिस्टन के बारे में बताऊंगा। इसमें 3 पिस्टन दिया हुआ है और इसमें क्या क्या लगता है इस पिस्टन में, मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। अगर जो लोग नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करिए, और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल में आप जरूर कमेंट करें। तो आप देख सकते हैं कि ये पिस्टन है और ये पिस्टन में कौन कौन से रिंग लगती है अभी मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ पिस्टन, और करीब से देख लीजिए चारों तरफ से। तो ये किर्लोस्कर का एयर कूलर 3 सिलेंडर इंजन का ये पिस्टन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गजल पिन है। ये गजल पिन में कनेक्टिंग रड फिटिंग होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बाद में मैं अगले वीडियो में कनेक्टिंग रड फिट करके दिखाऊंगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप यहाँ देख सकते हैं गजल पिन है और यहाँ पे देखिए लॉक है, ये लॉक को आपको निकालना पड़ता है। देखिए दोनों तरफ लॉक दिया हुआ है, उसके बाद तब ये पिन जा करके अंदर जाती है, यहाँ पे कनेक्टिंग रड फिटिंग होता है। और ये तो देखिए 3 रिंग दिया हुआ है, कि यहाँ पे 3 रिंग दिया हुआ है और इस रिंग में कौन कौन से रिंग है अभी मैं बता देता हूँ। देखिए ये है टॉप रिंग, ये है टॉप रिंग और ये है कंप्रेसर रिंग, और ये सबसे नीचे में दिया हुआ है आयल रिंग। तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में आयल रिंग है, ऊपर में जो मिडिल यानी बीच में कंप्रेसर रिंग है, और सबसे फर्स्ट में यानी सबसे ऊपर में टॉप रिंग। तो आप देख सकते हैं इस पिस्टन को, तो आपको समझ में अगर आ गया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और जो भी जानकारी लेनी होगी हमारे चैनल में कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ। तो हमारे चैनल का नाम है वोल्वो स्कानिया राजभर। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।